मानना चाह रहा हूँ कि टाइम नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद प्रिंस अमित जी, प्रिंस अमित जी को सम्मानित करेंगे विनोद सर। हार्दिक अजी, ताली ताली भाई, प्रिंस भाई ने हमारा साथ दिया है तो इनके लिए जोरदार ताली सर। अब मैं संस्था के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। साल आपको ट्रॉफी अमित सर दे रही है, धन्यवाद। आप मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर, मैं बिल्कुल शख्सियत खाने के लिए है जो कि झारखंड एकता संघ के लिए काम करते हैं। भाई कहाँ गए मोमेंटो? मोमेंटो 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 वाइज के लिए थोड़ा सा डिले हो गया। दूसरा नाम है हरेंद्र सिंह प्रमुख, उप प्रमुख, इन्हें मुन्नालाल प्रसाद जी सम्मानित करेंगे थाने से। मुन्नालाल प्रसाद जी को आपने बुलाना चाहता हूँ, सब के सदस्य उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तैयारी करेंगे। उनके बाद तैयारी करेंगे हफीज अंसारी साहब समाज सेवी हैं, उनके अन्य सम्मानित करेंगे तौफीक भाई हमारे केंद्रीय सदस्य, संस्था के केंद्रीय सदस्य तौफीक भाई। मंच पर अब मैं बुलाना चाहता हूँ मंच पर गुलजार हुसैन साहब। अब ऐसी शख्सियत थोड़ा देखिए सर, जिनका पहला ही एंट्री में मतलब छा गए हैं और आगे भी छाएंगे इंशाल्लाह। पब्लिक आप स्टेज पे नहीं आए, ये सरासर थे झारखंड का नाम मान सम्मान आप लोग ऐसे मटिया डुबो देंगे सर। आप लोग प्लीज सर से मिलेंगे, सर रुकेंगे, आप लोग स्टेज स्टेज पे ऐसे नहीं आए प्लीज। ग्रुप फोटो है तो जोरदार ताली बजाने के लिए काफी मेहनत का आदमी है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ राजेश वर्मा जी, समाज सेवी है, सूरत से है, और ये तौफीक अंसारी जी, जीएस मीडिया प्रभारी, काफी एक्टिव रहते हैं संस्था के लिए। इन्हें सम्मानित करेंगे हमारे झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक श्रीमान माथुर प्रसाद जी, बिल्डर हमारे नासिक के। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए। जगेसर भाई को मैं तो असलम भाई से दिलवाऊंगा क्योंकि इनका काम क्या रखते है, और उनका मेन जो सर्वे सर्वा यही जगेसर का है। अब मैं वापस उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आए। और प्राचीन हेल्थ केयर हॉस्पिटल के सीएमडी मंगेश जाके साहब हैं, कोर टीम जरा पीछे आ जाए, कोर टीम जल्दी से आ जाए। देखिए सर एक ग्रुप फोटो बस, तो आप लोग ताली बजा दें इन सब लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए दिन रात काम किया है। हम सब मिलकर दिन रात काम करते हैं आपके लिए। आखिरी समा फिरोज भाई देवघर के हैं और जाने माने यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, टर्की में भी इनका सर चीफ मैनेजर एसबीआई नरीमन पॉइंट ब्रांच मिस्टर सौरभ कुमार हजारीबाग से, ये भी सम्मान करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए सर और सम्मान ग्रहण करें और संस्था का मान सम्मान बढ़ाएं। मनोज सर अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो रही है तो मैं चाहूँगा ये जो बीज है पनपता रहे, धन्यवाद सर। इसी के साथ और अब मैं सुरेश आनंद जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और प्रेम कुमार जी दोनों गायक। सर सर थोड़ा इधर देखिए भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। मुमताज साहब, हाजी मुमताज साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप, धन्यवाद उसके लिए डोंट वरी। आप लोगों का जो प्रोग्राम रहा बहुत कामयाब रहा। हम लोग 2005 से यही हमारी कोशिश रही है कि जो प्रवासी है यहाँ पर उन्हें हर तरह से सुविधा मिले, और उसमें लगातार निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे असलम साहब अध्यक्ष जो हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं और हम उनके साथ में हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि हमारे प्रवासी लोगों को जितनी सुविधाएँ हो मुहैया, यही हमारा कहना है। काफी दिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे, काफी कामयाब रहा, बहुत दिनों में मेहनत थी आप लोगों की।
सबसे पहले यहाँ आए हुए आप मीडिया प्रभारी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अपना समय निकाल कर आए और तमाम यहाँ आए हुए सभी झारखंड भाई, हमारे देश के जो भी नौजवान साथी सब आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुंबई जैसा शहर में एक ही दिन रहता है थोड़ा सा रिलैक्स करने का, जो संडे के दिन है, और सब ने अपना अपना संडे को कुर्बान किया, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों ने, सब आप लोगों ने मिलकर हमारा प्रोग्राम को, झारखंडी एकता संघ, हम सबका प्रोग्राम को बहुत सक्सेस किया। सब ने बहुत मेहनत किया, झारखंडी एकता संघ का टीम साल भर 365 दिन ये प्रोग्राम बहुत बीच में लॉकडाउन के होने के बाद बहुत दिन बाद हुई है, इसलिए लॉकडाउन में भी बहुत सारे काम किए। आए दिन घटना दुर्घटना जो भी होती रहती है, किसी तरह से कोई भी मामला है, झारखंडी एकता संघ 24 घंटा अवेलेबल रहता है। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कुछ दिन पहले असलम भाई फ़ोन किए रात को 3 बजे, मैं बोला अभी नहीं उठाऊंगा, फिर बोला नहीं कुछ तो इमरजेंसी होगा तभी तो फ़ोन किए, नहीं तो ऐसे करते नहीं। तो पता चला कि किसी का बॉडी को भेजना है, एयरपोर्ट में रुका है, उनको पैसे की कुछ कमी है, बोले वहाँ आपको देना है, हम लोग दिए। इस तरह से बहुत घटनाएं हैं जो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, और हम लोग किए, हम लोग को बहुत खुशी होता है कि हम लोग गांव से यहाँ आए और मुंबई जैसे शहर में हम लोग ने सब मेहनत किए, यहाँ का लोग, यहाँ का पुलिस प्रशासन, BMC बहुत लोगों को सब मदद करती है, और सब लोग मुंबई में जैसा हम लोग अपना गांव में रहते हैं बिना टेंशन बिना डर भय, वैसा हम लोग को कभी नहीं लगता मुंबई में कि हम लोग मुंबई अपने झारखंड से बाहर हैं। हम लोग ऐसा लगता है कि हमारा मुंबई जो हमारा कर्म भूमि है, जैसे जन्मभूमि में आज हमारे झारखंड के लोग रहते हैं, उसी तरह से एकदम निर्भय हम लोग मुंबई में रहते हैं। मुंबई महाराष्ट्र का धरती को हम नमन करते हैं और आगे भी इस तरह से हम लोग काम को जारी रखेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जैसा हमारा घर चले, सब अच्छा से रहे, सब बढ़िया से चले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे झारखंडी एकता संघ वर्षों से काम कर रही है और इतना अच्छा प्रोग्राम आज किया? सबसे पहले तमाम झारखंड प्रवासी मजदूरों को और प्रवासियों को संघ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग अपने कामों को छोड़कर लोग आए, उम्मीद करते हैं तमाम झारखंड के प्रवासी मजदूरों से कि लोग संस्था से जुड़ें, किसी भी समय किसी भी टाइम किसी प्रकार की अगर समस्या हो, जहां तक होने वाली बात रहेगी हम लोग कोशिश करेंगे, उनको हर पल हर कदम साथ चलेंगे और मदद भी करेंगे, चाहे जिस तरह का मामला हो सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोग संस्था से जुड़ें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और बहुत जल्द मेरा प्रोग्राम एब्रोड यानी विदेश में होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि अब इंडिया से बाहर भी झारखंड प्रवासी मजदूरों का भी झारखंडी एकता संघ के टीम ने पहल किया है, जो विदेश में भी बहुत जल्द झारखंड प्रवासी सम्मेलन किया जाएगा। अभी उनको भी प्रोग्राम में शिरकत करना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन बहुत जल्द हम डेट अनाउंस करेंगे, जो विदेश में भी झारखंड का डंका बजेगा और गूंजेगा, 1932 का खतियान वहाँ भी बजेगा। चलो जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले झारखंड की जोहार, सभी मीडिया बंधु को सादर नमस्कार और बधाई देता हूँ जो इस कीमती टाइम को आप हम लोग के साथ में बिताए। और हम इतना कहना चाहते हैं कि हर प्रवासी मजदूर हम लोग से जुड़ा रहे और हम उन लोग से जुड़ा रहेंगे, इतना करके धन्यवाद देता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय झारखंड। तौफीक भाई, हम लोगों ने जितने दिनों से प्रयास कर रहे थे झारखंड से भी और यहाँ से भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना भी प्रयास कर रहे थे और झारखंडी एकता संघ के जो टीम है, सभी लोग एक योजनात्मक तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग लगे हुए थे, और आज इसका रिजल्ट देखने को मिला और बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उनको फ़ायदा मिलेगा। हम लोग चाहते हैं आए दिन किसी भी तरह का उनको परेशानी ना हो, जितने भी प्रवासी हैं या तो फिर झारखंड में भी कोई लोग हैं। हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप सिर्फ हमसे जुड़ें,
आपको इसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा, चाहे सरकारी सुविधा की बात क्यों न हो। अगर आपके परिवार के कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य आपके घर में किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट हम झारखंड में रहते हैं, हमें आप वहाँ के लिए संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई तरह की दिक्कत हो, पानी के ज़रूरत पड़े पानी की और खून की ज़रूरत पड़े खून भी हम देने के लिए तैयार हैं। अपना साथ समय तन मन धन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जितना हम लोग समर्थ हैं सभी लोगों को मदद करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप मीडिया बंधुओं को और आम जनता जितने भी लोग आए थे उनको, झारखंड प्रवासी मजदूरों जितने भी थे, पदाधिकारी लोग भी थे, गणमान्य अतिथि लोग थे, सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः सभी को एक बार झारखंडी जोहार, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मैडम, क्या कहना चाहूँगी आप जो है दूर से मुंबई आए, कैसा लगा ये प्रोग्राम? सिर्फ हमें जुटने के मिलने के सौभाग्य मिला और इस कार्यक्रम में एक दूसरे से मिलने के तो सौभाग्य मिला ही, और साथ में मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि झारखंड संघ एकता के इतने एकजुट होते हैं हम सब, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एक दूसरे के साथ में खड़े हो सकें। चलिए सर।